रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। इस बीच कई देशों में खाद्यान्न संकट गहराया हुआ है। मसलन गेहूं के गढ़ कहे जाने वाले इन दोनों राष्ट्रों से कई देशों को होने वाले गेहूं की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में भारतीय गेहूं की मांग दुनिया भर में बढ़ी हुई है। नतीजतन देश के अंदर गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम में बिक रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात से गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। कारण बताया जा रहा है कि देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। लेकिन गेहूं के कम उत्पादन को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि सरकार ने फरवरी में भी पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं के उत्पादन का अनुमान जारी किया था। इस बीच निर्यात पर रोक से बाजार में भारी उथल पुथल है। आइए जानते हैं कि सरकार ने कितने गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया हुआ है और निर्यात पर रोक का संभावित गणित क्या है। गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार की तरफ से जारी अनुमान के साथ ही निर्यात पर रोक के संभावित गणित को जानने से पहले हाल ही गेहूं जान लेते हैं। मौजूदा समय में देश के अंदर गेहूं की मांग अपने चरम पर बनी हुई है। आलम यह है कि गेहूं इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर चल रहा है। सरकार ने गेहूं का MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में बाजार के अंदर गेहूं का भाव प्रति क्विंटल 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। नतीजतन सरकारी की तरफ से स्थापित किए गए खरीदी केंद्रों में गेहूं की आवक में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। हालांकि पंजाब के किसान इस बार गर्मी की वजह से कम उत्पादन होने की बात भी कर रहे हैं। वहां कम आवक की वजह से 90% मंडियां बंद कर दी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी पंजाब की गेहूं खरीद के केंद्रीय पूल में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। रूस यूक्रेन का असर गेहूँ के बाजार में सबसे अधिक पड़ा है। इस वजह से गेहूँ के दाम MSP से अधिक चल रहे हैं। आलम यह है कि इस बार MSP पर गेहूं की खरीद अभी तक लक्ष्य से आधी भी नहीं हो पाई है। वहीं इस वर्ष 13 साल में सबसे कम गेहूं खरीद का अनुमान जताया जा रहा है। असल में इस बार सरकार ने 444 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जिसमें से 5 मई तक 156 टन की खरीद ही हुई है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार 13 साल में सबसे कम गेहूं की खरीद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।